नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल्स चैप्टर। ओके, और उसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट वन। ठीक है बेटा, पार्ट वन पढ़ने जा रहे हैं आज। अब बेसिकली सर्कल चैप्टर आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। ओके, अब बेसिकली सर्कल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है कि अगर आपके पास एक लाइन और एक सर्कल हो तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है दे डू नॉट इंटरसेक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी है दे इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। ओके, और तीसरी और लास्ट पॉसिबिलिटी है, उसकी दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो बेटा, इन सब के अलावा और कुछ भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। ये तीन ही चीज पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। बराबर है, या तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे, देख लो, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इंटरसेक्ट करेंगे कितनी जगह पे? दो पॉइंट्स पे, एक जगह पे और दो जगह पे। लाइन है ना ये, और तीसरा क्या है, ये इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट मतलब एक ही जगह पे टच कर रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। डन। अब जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये हमने देखा ना, इसको कुछ नहीं बोल सकते। इस केस को हम बोलेंगे सेकंड। जो एक लाइन सर्कल को दो जगह पे टच कर रही है उसको हम बोलते हैं सेकंड, और जो एक जगह पे टच करते हैं उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। देखो, जो एक ही जगह पे टच करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। देख लो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। ये आप देख सकते हो, आपके सामने डायग्राम है और फिगर भी है। ये एक सर्कल बराबर है, आप चेक कर सकते हो कि इस एक पॉइंट पी से, आपको पता है ना बेटा, एक पॉइंट से कितनी लाइंस निकल सकती है? इनफाइनाइट लाइंस निकल सकती है। तो इस पॉइंट पी से कितनी लाइंस निकलेंगी? इनफाइनाइट लाइंस निकलेंगी। बट एक ही ऐसी लाइन होगी जो सर्कल पे एक ही जगह पे टच कर रही है, और वो है ये वाली लाइन। देखो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, एक ही जगह पे टच करेगी। बाकी आप कोई भी देख लो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देख लो, ये वाली लाइन देख लो, ये वाली लाइन देख लो, एक से जगह पे वो टच करे, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल पे कितने पॉइंट्स होंगे? मान लेते हैं ये हमारे पास सर्कल है, रफली बना है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। बट कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पकड़ेंगे तो इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स होंगे? सिंगल टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट, दैट्स इट। ओके, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड। टेंजेंट है क्या? सेकंड का स्पेशल केस, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पोंडिंग कोर्ड्स कोइंसाइड। मतलब देखो, ये हमने सर्कल लिया और ये हमने लिया लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, अगर ये धीरे 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 आके इधर आ जाएगा, ये दो पॉइंट इस जगह पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? इस जगह पे वो कोइंसाइड हो रहे हैं, एक ही जगह पे टच कर रहे हैं। एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज द कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस कॉमन पॉइंट जो होता है जहां पे वो टच करता है, ये जैसे देखो ये टेंजेंट टच कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट। और वो जो टेंजेंट है सर्कल को कॉमन पॉइंट पे टच कर रहा है। आ गया समझ में बेटा? श्योर? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, मैं आपको एक चीज बता दूं, सीबीएसई वालों को और गुजरात बोर्ड वालों को इसमें बहुत सारी चीजें कट है और बहुत सारी चीजें कट नहीं भी है। ओके, सो मैंने आपको अपना वो लिस्ट दे दिया है,
प्लीज उसके हिसाब से आप देख लेना, बराबर है। मैं, मेरा काम है, मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी समझा दे रहा हूँ सबके सब, ठीक है। मैं आपको सबका सब अभी समझा दे रहा हूँ, आपका काम है कि आप चेक कर लेना कौन सा कट है कौन सा नहीं, वो आप देख लेना, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट आईएमपी थ्योरम। डन, क्या थ्योरम है? अगर ये थ्योरम याद रहेगा तो आपको पता चलेगा, इजीली सब कुछ सॉल्व हो सकेगा। थ्योरम क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट, पहली बात तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं इस पॉइंट पे, टू अ सर्कल, टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस है, ये टेंजेंट, एक दूसरे को क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बराबर। अभी उसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा, प्रूफ एज इट इज है वही लिखना, थियरम मतलब उसमें हम अपना लैंग्वेज कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकते, जो है वही लिखना। इसमें जो नहीं लिखना है, जो कट है वो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल जो है वो आप देख लो। क्या है? वी आर गिवन विद अ सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट पॉइंट पी। हमारे पास थ्योरम में क्या गिवन है? एक सर्कल गिवन है, एक टेंजेंट गिवन है। सर्कल टेंजेंट को कहाँ पे टच कर रहा है? पी पे। हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओपी और एक्स वाई परपेंडिकुलर है, ओके। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी एंड ज्वाइन ओ क्यू। टेक अ पॉइंट क्यू अदर देन पी, पी के अलावा एक पॉइंट क्यू लो, बराबर है, और उसको ओ क्यू को ज्वाइंट कर लो। क्या करो बेटा? ओ क्यू को ज्वाइंट कर लो। नाउ द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। ये बात सही है, क्योंकि सर्कल के अंदर रखोगे वाई, ये आपको लिखना नहीं है। नोट दैट क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, एक्स वाई विल बिकम सेकंड एंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये उसका रीजन है, ये लिखना नहीं है। इसलिए कहां पे लिखेंगे? बाहर। Therefore, OQ is larger than the radius of P of the circle. That is, OQ is greater than OP. अब देख लो, OQ practically आप सोचो, P के अलावा कोई भी पॉइंट लोगे, उसको O से ज्वाइंट करोगे, वो OP से तो बड़ा ही होगा। यहाँ पे कोई। Now, since this happens for every point on the line X, Y, except the point P, इस पॉइंट P को छोड़ के आप मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हो Q1, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हो Q2, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हो Q3, इसको ज्वाइन करो, कोई भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा ओपी से बड़ा ही होगा। और आपने लोअर स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी है कि भाई दो लाइंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई पे वो शॉर्टेस्ट पॉइंट है, एंड हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओके। और वो सिंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा? श्योर? पक्का? पॉज द वीडियो, नहीं समझ में आया तो रिप्ले करिए। मैंने आपको क्या बताया कि भैया एक OP है और ये एक्स वाई है, बराबर है। OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, समझ रहे हो? OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई का मतलब कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इस टेंजेंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उससे आप ड्रॉ करो लाइंस, वो हमेशा OP से क्या होगा? बड़ा ही होगा। और सबसे छोटा क्या होगा? OP। सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो चुका है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। डन। तो इससे हमें दो रिमार्क्स पता चलेंगे, जो मे भी आपको, सीबीएसई वालों को एक चीज बता दूं कि एमसीक्यू इस साल नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो पहले से मैं आपको बता देता हूं, तो आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन में बहुत काम आएगा ये। सो बाय थियरम अबव वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट। एक पॉइंट सर्कल पे एक ही टेंजेंट निकल सकता है, ये इससे पता चला। दूसरा, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से एक लाइन और रेडियस, समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। और ये जो लाइन निकली उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द सर्कल।
सर्कल के बिल्कुल नॉर्मल है, देख लो ना, ये 90 डिग्री है। क्लियर हो गया पक्का? ये दो चीज याद रख लो। क्या याद रखनी है आपको बेटा? कि भाई पहला तो कि भाई एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट निकल सकता है, और दूसरा कि भाई रेडियस से, आप रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगी। ओके, नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, ये रिमार्क थे। लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो इट्स ओके। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। तो आंसर आएगा, अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्यों? सर्कल पे पॉइंट्स कितने होते बेटा? इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट निकलेगा, तो उसके टेंजेंट्स भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक ही पॉइंट पे। दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? सेकंड। तीसरा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, टू पैरेलल। क्यों टू पैरेलल? ये सर्कल है ना, देखो एक टेंजेंट इधर से निकला तो ये एक टेंजेंट इधर से निकलेगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट वाला पॉइंट, दो पॉइंट्स होते हैं ना एक लाइन में, तो यहाँ से ये दो पैरेलल टेंजेंट हुआ। द पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा उसे हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर? क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। डन, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सा क्वेश्चन है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12, लेंथ पी क्यू इज। सर क्या बोला कुछ पता नहीं चला। ओके, पहले तो एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर के रेडियस का, ठीक है, एक सर्कल बना ले, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, इसमें नो फिल कर देते हैं और इसकी आउटलाइन हम इससे लिख, और क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। अब एक लाइन बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, लाइन बराबर है सेंटर से, एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ओके। इसकी आउटलाइन हम कैसे बना लेंगे? ऐसे आउटलाइन और कलर से बनाते हैं, ये वाले कलर से, वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं इसका, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू, ओ क्यू, तो हमें लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू, अ टेंजेंट पी क्यू, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब मैं देखो आपको सारी चीजें डिटेल में बता देता हूँ। ये है हमारा ओ, ये हमारा क्यू, ठीक है, यहां से एक टेंजेंट पास हो रहा है पी क्यू, तो वो टेंजेंट कैसे बनेगा? टेंजेंट बनेगा ना, देखो एक ही जगह से पास हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं, ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर व्हाट यू कैन से दैट इज, सिंस ओपी इज रेडियस एंड पी क्यू इज टेंजेंट, ओपी इज रेडियस, पी क्यू इज टेंजेंट, हमने अभी थियरम वन देखा था, सो बाय थियरम वॉट वी कैन से इज ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ क्यू हमारे पास दिया हुआ है, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ओपी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों 5 सेंटीमीटर? रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या लगा सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम,
लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हाइपोटेनस कौन सा होगा? सबसे पहली बात, हाइपोटेनस अगर जिसने ओ क्यू बोला वो सही है और जिनने पी क्यू बोला वो गलत है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो क्या लिख सके? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। ओ पी कितना है? 5 का स्क्वायर। और पी क्यू स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे तो ये देख के 12 5 और यहाँ पे 13 लिख के आएंगे। गलत, जिन्होंने वो लिखा है वो बिल्कुल गलत। ये कितना हो गया? 144। 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो देयर फोर पी क्यू स्क्वायर कितना होगा? 144 माइनस 25, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119। तो देयर फोर पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट 119। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? डी। सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा। डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके पक्का। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकंड टू द सर्कल। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। चलो यही सर्कल हम उठा लेते हैं और एक लाइन उठा लेते हैं, इसको इसको थोड़ी देर साइड में छोड़ देते हैं। ये पहले आपने बनाया सर्कल, ठीक है, ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा भी बना दिया, ठीक है। मान लेते हैं ये आपकी लाइन गिवन है, ये आपकी लाइन गिवन है, ओके। लाइन गिवन होती है तो हम उसको कैसे बनाते हैं? ये लाइन गिवन है, इस लाइन को मैं L1 नाम देता हूँ। अब आपको क्या बोला है? सर्कल बनाना आता है ना बेटा सब लोगों को? एक लाइन बना लो, एक लाइन टेंजेंट बनानी है और एक लाइन सेकंड बनानी है, बिल्कुल इस लाइन जैसी। तो टेंजेंट मतलब क्या होगा? और इसके पैरेलल हो, तो ये इसके पैरेलल, तो ये होगी, देखो ये टेंजेंट है, बराबर है। और एक लाइन बिल्कुल इससे पैरेलल हो और वो सेकंड बना रही है, तो देख लो ना, ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी होगी L2 और ये आपकी क्या हो जाएगी? L3 हो जाएगी। ये है पॉइंट P, बराबर, और ये है पॉइंट XY और ये है पॉइंट MN। L1 इज गिवन लाइन, L2 इज सेकंड एंड L3 इज टेंजेंट, बराबर है, क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? श्योर, ओके। कितना? अब तो सिर्फ 18 मिनट्स हुए, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये खत्म हुआ तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भैया देखो, ये फर्स्ट फिगर है। अगर मान लो कि आपके पास एक सर्कल है और एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। देखो कोई भी सर्कल होता है, या तो एक पॉइंट इनसाइड हो सकता है, या ऑन द सर्कल हो सकता है, या तो आउटसाइड हो सकता है, ये बात आप भी मानते हो। तो मान लो ये पॉइंट, ये सर्कल है, एक पॉइंट अंदर है, तो इस पॉइंट से कितने लाइंस निकलेंगी? इनफाइनाइट, सारी की सारी सेकंड होंगी। क्यों? क्योंकि अंदर है ना, इसलिए वो सर्कल को दो जगह टच करेंगे, सेकंड। ऑन द सर्कल लेंगे तो क्या बनाएगा? टेंजेंट, और वो भी कितना? ओनली वन टेंजेंट, बराबर है, ओनली वन टेंजेंट। बट अगर आपने एक बाहर पॉइंट लिया तो, अगर आपने बाहर पॉइंट लिया तो भी टेंजेंट्स बनाएंगे, बट कितने? टू टेंजेंट्स, एक PT1 दूसरा PT2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यही थियरम हम डिराइव करने जा रहे हैं कि कोई भी एक पॉइंट होता है उससे आप दो टेंजेंट्स बना सकते हो, एक का नाम है PT1 और दूसरे का नाम है PT2। नाम तो अपने हिसाब से कुछ भी दे दो, बट पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल, पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, पॉइंट इनसाइड सर्कल जीरो टेंजेंट, पॉइंट
ऑन द सर्कल, वन टेंजेंट एंड पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, टू टेंजेंट। अब बोलो सर उससे ज्यादा नहीं होंगे, ट्राई कर लो। अगर आपको दो से ज्यादा टेंजेंट मिले तो आपको मैथमेटिक्स का पुरस्कार मिलना चाहिए, दैट इज प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक तो ऐसा पढ़ा जाता है कि भाई दो ही टेंजेंट्स है पॉइंट आउटसाइड से। ओके, तो उसका थियरम क्या है वो देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, उससे आपने दो टेंजेंट्स बनाए पी क्यू और पी आर, उन दोनों की लेंथ इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, पहले ये तो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ऑन द सर्कल फ्रॉम पी। ये तो बात क्लियर होगी ना कि एक पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते बेटा, दो सर्कल बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू और पी आर को प्रूव करना है। फॉर दिस कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, ओपी क्यू ज्वाइन करो, ओ क्यू को ज्वाइन करो, ओ आर को ज्वाइन करो, ये काम आएगा आगे, ठीक है। Because then angle OQP and ORP is right triangle. OQP and ORP is right triangle. क्यों right triangle हो जाएंगे, एक देखो ये tangent है और ये radius है. Because these are angles between the radii and tangent and according to theorem they are right triangles. Okay? तो अब हमारे पास दो triangle हैं. देख लो बेटा हमारे पास दो triangle हैं. कौन सा triangle है, पहला OPQ, sorry OQP, OQP triangle और दूसरा ORP. नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, ओ क्यू पे मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू और ओ आर पी मैं लिख सकता हूँ ओ आर, दोनों रेडियाई। क्या मैं लिख सकता हूँ, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन एंगल, एंड क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी 90 डिग्री ईच, अभी हमने देख लिया। तो अब अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ ट्राइंगल जैसा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्राइंगल ओ क्यू पी सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी बाय आर एच एस, राइट। देखो ये 90 डिग्री है, उसके सामने राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेनस और एक साइड आर एच एस हो गया। तो उसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जब दो ट्राइंगल ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सीपीसीटी, हैज प्रूव्ड। देख लो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हो गया प्रूव। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो यह है आपका थियरम 10.2। डन डन बेटा, किसी को भी डाउट, दो थियरम से दोनों थियरम हमने आज देख लिए, जल्दी से देख लो, ठीक है। अब हम आज का लेक्चर मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बहुत छोटा लेक्चर रख रहा हूँ, बिकॉज इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। कल से हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए अच्छे से ट्राई करिएगा। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।